गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच अबाउट द कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या है? जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शन में होता क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि व्हाट इज़ कार्बोकेटायन एंड कार्बोनायन। कार्बोकेटायन क्या है और कार्बोनायन क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही नेसेसरी है। तो कैसे हम क्लियर करेंगे कि कार्बोकेटायन क्या है, कार्बोनायन्स क्या है? अगर उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो एडिशन रिएक्शन हमारे लिए या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी हो जाता है। उस पर हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। कार्बोकेटायन्स होते क्या हैं, उसके लिए है कि व्हेन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। व्हाट इज़ द कार्बोकेटायन? अगर हम कार्बोकेटायन्स की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कार्बोकेटायन्स में आपको कार्बन पे आप जानते हैं, यू नो दैट कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन पे यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसी को आप जनरली बोलते हैं कार्बोकेटायन्स। बट कार्बोकेटायन्स में यहाँ पे कार्बोकेटायन्स में ये ध्यान देना है आपको क्लियरली कि इसकी वैलेंसी भी पूरी हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे सपोज करिए, जैसे ये CH3 है प्लस है, तो ये कार्बोकेटायन्स हैं आपके, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन्स हैं, ये भी कार्बोकेटायन्स हैं, ये भी कार्बोकेटायन्स हैं, और इस कंडीशन में आपको यहाँ पे ऐसे बांड दिखाना पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर 6 और ये है, तो इसका जो जनरल डिफिनेशन है, एन ऑर्गेनिक स्पीसीज, राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एन ऑर्गेनिक स्पीसीज, एन ऑर्गेनिक स्पीसीज, एन ऑर्गेनिक स्पीसीज विच हैज ए कार्बन एटम, विच हैव ए कार्बन एटम, विच हैव ए कार्बन एटम। डिफिनेशन देख लीजिए, इसके बाद एग्जांपल में क्लियर कर देंगे। विच हैव द कार्बन एटम बियरिंग 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, विच हैव ए कार्बन एटम बियरिंग 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट क्या होगा, ऑर्बिट्स होगा। आउटर मोस्ट क्या होंगे आपके, ऑर्बिटल्स होते हैं सेल, आप जानते हैं इसके बारे में। आउटर मोस्ट सेल इनर होता है, आउटर मोस्ट होता है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड हैव ए पॉजिटिव चार्ज। आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड हैव ए पॉजिटिव चार्ज, आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड हैव ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बताया ना। यहाँ पे देखिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगना है, साथ साथ इसमें क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे CH3 है सपोज करिए, ये मैंने कहा आपको CH3 पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती ही है, आप जानते हैं जनरली कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और उसमें एक पॉजिटिव चार्ज बना है और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है ना। 2, 1, 1, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये है। आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं कार्बन के, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा इन केमिकल बॉन्डिंग में। यहाँ पे 1, 2, 3 है, तो 1, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के है जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 6 हो गया और 1 पॉजिटिव चार्ज है। कह रहा है इन आउटर मोस्ट सेल में क्या हो, बियरिंग 6 इलेक्ट्रॉन एंड 1 हैव टू द पॉजिटिव चार्ज, उस पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, इज कॉल्ड कार्बोकेटायन, इट्स कॉल्ड कार्बोकेटायन। बोला है एन ऑर्गेनिक स्पीसीज। जनरली आप ऑर्गेनिक स्पीसीज में क्या है कि कार्बन प्रेजेंट हो, मेथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल हो, ब्यूटिल हो, ऑर्गेनिक स्पीसीज हो, कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब ऐसा नहीं कि आप सर बोलो कि वनली ये रख दिया कार्बन प्लस रख दिया कार्बोकेटायन, ठीक है, इट्स ओके कार्बोकेटायन है, बट इसकी वैलेंसी यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे तो 2, 2, 4, 2, 6 जिससे ये कनेक्ट होगा, ये एक ऑर्गेनिक स्पीसीज है। अब ये कार्बोकेटायन है, वही कह रहा है एन ऑर्गेनिक स्पीसीज
which have a carbon atom bearing 6 electron in outermost orbit and have a positive charge is called carbocation. ये condition है carbocations के, और carbocations can classified. Carbocations कितने types के होते हैं हम उसको classify करने जा रहे हैं. Carbocation can classify into following group. Carbocations कई types के होते हैं. First हम लोग बोलेंगे alkyl carbocation, ठीक है. First discuss करेंगे, ये definition आप देख लिए हो, फिर से देख लीजिए. An organic species which have a carbon atom bearing 6 electron in outermost orbit and have a positive charge is called carbocation. Carbocation can classify it into the following group. Following group में इसको divide करते हैं. First क्या है, अब देखिए आप with example हम आपको बताने जा रहे हैं. और जो organic species में आप react कराते हैं, first है alkyl carbocation. Alkyl carbocation. Alkyl किसे कहते हैं? Alkene का general formula होता है CnH2n+2. When you will one hydrogen minus to the alkene, then you will obtain to the alkyl or alkyl. It's okay. It is the alkene. Suppose if you put the value n is equal to 1, then you will obtain to the CH4 methane. And when you will minus to the 1 hydrogen from the methane, then you will obtain to the CH3 methyl. Methane 2, methyl. Here is methane. Idhar kya hai aapka? Methane hai. Aur yahan kya mil gaya aapko? Methyl mil gaya. It is clear. Ye hai alkyl. Ab alkyl carbocations keh raha hai, isi CH3 pe kya aa jaye, positive charge aa jaye. तो आपका क्या होगा, एल्किल कार्बोकेटायंस होगा. अब देखिए फर्स्ट है एल्किल कार्बोकेटायंस कितने टाइप्स के होते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं. कह रहा है कि मेथिल कार्बोकेटायंस एक तो होता है आपका क्या, मेथिल कार्बोकेटायंस CH3+ पॉजिटिव चार्ज. कार्बोकेटायन का डिफिनेशन कहा कि एन ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच कार्बन एटम इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन हैव टू द 6 इलेक्ट्रॉन एंड कैरी टू द 1 पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज द कार्बोकेटायन. इट इज़ द मेथिल. फर्स्ट हो गया क्या आपका, मेथिल कार्बोकेटायंस. जनरल ने मेथिल कार्बोकेटायंस से क्या बोलेंगे, मेथिल कार्बोकेटायंस. मेथिल कार्बोकेटायंस. और अगर सपोज करिए आपका यहाँ पे R हो और इसके साथ आपका CH2 पॉजिटिव चार्ज हो, जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी. R इज इक्वल टू, R मीन्स क्या होता है, एल्किल, ठीक है. R को हम एल्काइल बोलते हैं. यहाँ पे R इज इक्वल टू सपोज करिए CH3 भी हो सकता है, R इज इक्वल टू C2H5 भी हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं, CH2 एंड CH3 भी हो सकता है. तो यहाँ हम इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी. प्राइमरी क्यों बोलते हैं हम बताते हैं आपको, इसको हम बात करेंगे. ये हमारा होगा प्राइमरी एल्किल कार्बोकेटायन, प्राइमरी एल्काइल. अभी हम कार्बोकेटायंस के टाइप बता रहे हैं, एल्काइल कार्बोकेटायंस. व्हाई यू विल से इट इज द प्राइमरी कार्बोकेटायंस, इफ योर कार्बोकेटायन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट कार्बन एटम, फर्स्ट एल्किल ग्रुप, देन यू विल से प्राइमरी. सेकेंडरी क्या होगा, व्हेन द बोथ साइड ऑफ द एल्किल ग्रुप, यहाँ पे बोथ साइड पे क्या हो, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो आप इसे बोलेंगे क्या, सेकेंडरी. सेकेंडरी सेकेंडरी एल्किल कार्बोकेटायन, इसे आप क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बोकेटायन. व्हाट आई से आर यू गेटिंग, इट इज क्लियर. वन मेथिल ग्रुप, वन एथिल ग्रुप से कनेक्ट है आपका कार्बोकेटायन, तो प्राइमरी. और आपका वो कार्बन एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज कैरी है, बोथ साइड से एल्किल ग्रुप से कनेक्टेड है, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी एल्किल कार्बोकेटायन. और इफ योर एल्किल ग्रुप इज एडजस्ट टू द थ्री साइड से एल्किल है और देन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो आप इसे बोलेंगे क्या, टर्सियरी एल्किल कार्बोकेटायन. टर्सियरी एल्किल कार्बोकेटायन.
यानी कि थ्री साइड से एल्किल ग्रुप एडजस्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी एल्किल कार्बोकेटायंस। यहाँ पे टू साइड से एल्किल ग्रुप एडजस्ट है, कनेक्ट है, ज्वाइंट है, कंबाइंड है इस कार्बन से, तो सेकेंडरी। वन एल्किल ग्रुप एडजस्ट है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी एल्किल कार्बोकेटायंस। अब इतने नहीं होते, अब देखिए सेकेंड टाइप्स का आपका होगा फिर कार्बोकेटायंस क्या होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी अगर हम देखा जाए, अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी में इन अगर जैसे आपसे बात किया जाए, आइडेंटिफाई क्वेश्चन किया जाए कि इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से होंगे, तो आपकी जो स्टेबिलिटी होगी वो टॉप से डाउन की तरफ क्या करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, टॉप से डाउन की तरफ स्टेबिलिटी इन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर रिएक्टिव, ये स्टेबिलिटीज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन सीरीज। इस सीरीज में अगर हम बात करें कि किसकी स्टेबिलिटी मोर होगी, तो ये मेथिल कार्बोकेटायन से ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, इससे ज़्यादा ये होगा, और फिर इससे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, ये होगा। तो ये है इनके कार्बोकेटायन्स की, एल्किल कार्बोकेटायन्स की रिएक्टिविटी। सेकंड हम बात करते हैं, अगर सपोज करिए इसमें कोई देखिए एल्कोक्सी या एमिनो ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, विच हैव टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलिए उसको बाद में हम बात करते हैं, अभी जनरली इसके टाइप्स को देखिए। सेकेंड टाइप्स का जो कार्बोकेटायंस होता है आपका एल्किल कार्बोकेटायंस के बाद आप बात करेंगे विनिल कार्बोकेटायन, एल्किल के बाद होता है विनिल कार्बोकेटायन। वहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, अब ये बात कर रहा है कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH यहीं पे पॉजिटिव चार्ज हो, इसी को क्या बोलते हैं विनिल कार्बोकेटायन, इसी को क्या बोलेंगे आप, विनिल कार्बोकेटायन। ये आपका क्या हो गया, विनिल कार्बोकेटायन हो गया, इसी को हम बोलते हैं क्या, विनिल कार्बोकेटायन। इसका डिफिनेशन देना नेसेसरी नहीं है, आप समझ चुके होंगे। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है, एल्कीन है, और यहाँ इसी पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया, इसकी देखिए 2-1-3 वैलेंसी है, तो विनिल कार्बोकेटायंस हो गया। बस इसको ऐसे एल्किल की तरफ ही कर देंगे। सपोज करिए अगर ये ऐसे हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH+, यहाँ कार्बोकेटायंस, जिसे आप बोलेंगे प्राइमरी विनिल कार्बोकेटायन, प्राइमरी विनिल कार्बोकेटायन। सेकेंड हो ऐसे ही, इसके साथ टू मेथिल ग्रुप एडजस्ट हो यहाँ पर, जिसके साथ ये कनेक्ट हो। अब ये आपका CH इधर ले लेते हैं हम, सपोज करिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH+, अब यहाँ पर भी R हो, एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, तो अब बोलेंगे आप क्या, सेकेंडरी। ये सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी विनिल कार्बोकेटायन। देखिए इस कार्बोकेटायंस के बोथ साइड में क्या है, एल्किल है, यहाँ पे एक एल्किल है, कि एल्किल यहाँ है, इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। और अगर ये कह रहा है कि थ्री हो एडजस्ट हो इसी के साथ, तो हम क्या बोल देंगे, इसे टर्शियरी बोल देंगे। सपोज करिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH+, R है, यहाँ से H एक और हटाया, एक और R लगा दिया, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया टर्शियरी विनिल कार्बोकेटायन। तो एक आपने देखा है एल्केन में कार्बोकेटायंस होते हैं, सेकंड मैंने आपको एल्कीन में कार्बोकेटायंस बता दिया, इसकी भी रिएक्टिविटी सेम होगी, जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। स्टेबिलिटी क्या होगी,
stabilities increases from top to bottom. इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, सीबीएसई के एग्जाम में भी मिलेगा प्रैक्टिस में, कार्बोहाइड्रेट आयंस की स्टेबिलिटी पे पूछेगा आपसे, आस्किंग करेगा। और सेकंड आपको, आप कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं आईआईटी नीट पीएमटी की, तो वहाँ पे भी ये आपको इजी होगा, उसके लिए एक आपको सलूशन मिलेगा। थर्ड्स देखिए, एक होता है आपका फेनिल मेथिल कार्बोकेटायन, फेनिल से एडजस्ट कर देते हैं हम लोग। तो जैसे सपोज करिए कि फेनिल मीन्स एरोमेटिक आ गया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ले लिया आपने, डबल बॉन्ड ले लिया और थर्ड ले लिया, कार्बोकेटायन्स एक हेट्रोलिटिक फ्यूजन में बनता है, हेट्रोलिटिक फ्यूजन में टू कार्बन एटम एक दूसरे से एडजस्ट हो, तो फ्यूजन टू टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एक होता है होमोलिटिक फ्यूजन, सेकंड होता है हेट्रोलिटिक फ्यूजन। तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन में कार्बोकेटायन्स बनते हैं, सेकंड कार्बोएनायन्स बनते हैं। फ्यूजन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी ओनली हम नेचर ऑफ कार्बोकेटायन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप पूछेंगे सर कार्बोकेटायन्स बनते कैसे हैं, इसके मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम आपको होमोलिटिक फ्यूजन एंड हेट्रोलिटिक फ्यूजन बताएंगे, हाउ यू विल ब्रेक टू द बॉन्ड, कैसे आप बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, देन यू विल ऑब्टेन टू द कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन्स, उसमें आपको कार्बोकेटायन्स एंड कार्बोएनायन्स मिलेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फेनिल मेथिल कार्बोकेटायन, फेनिल मेथिल कार्बोकेटायन, अभी हम इस पर बात करेंगे, फेनिल मेथिल कार्बोकेटायन्स पे बात करते हैं कि फेनिल मेथिल कार्बोकेटायन्स क्या है। सेम चीज़ है, अब यहाँ पे फेनिल कहते किसे हैं, ये देखिए सपोज करिए बेंजीन है, C6H6 है, ये बेंजीन है, यहाँ से आप 1-1 हाइड्रोजन माइनस करिए आपको मिलेगा C6H5, इसको आप बोलेंगे क्या, फेनिल, इसी को क्या बोलेंगे, फेनिल। और इसी से मेथिल ग्रुप कनेक्ट हो जाए, मेथिल मीन्स क्या होता है, CH3 आप जान ही रहे हैं, तो अगर यहाँ पे C6H5CH3 प्लस पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है, इसे बोलेंगे आप जनरली क्या, फेनिल मेथिल कार्बोकेटायन। यहाँ पे 2 होगा CH3 C6H, अगर बाउंड के रूप में दिखाएंगे तो इस टाइप से मिलेगा आपको 2, 3 बाउंड इसका एडजस्ट है, 3 × 2 = 6 हो गया, 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसे बोलेंगे क्या, फेनिल मेथिल कार्बोकेटायन, इट्स ओके। और यहीं से आप बनाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, या इसे आप बोलेंगे प्राइमरी, इसे आप बोलेंगे बेंजिल कार्बोकेटायन भी बोलेंगे, बेंजिल कार्बोकेटायन। अब ये सपोज करिए, अगर इसके बोथ साइड्स, इसे प्राइमरी भी बोल सकते हैं आप, बेंजिल कार्बोकेटायन्स भी कह सकते हैं, सेकंड कह रहा है कि व्हेन यू विल ऑब्टेन टू द C6H5 है, यहाँ से एक मेथिल एक बेंजिल ग्रुप और कनेक्ट कर दीजिए CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, C6H5 है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, सेकेंडरी बेंजिल कार्बोकेटायन, एंड थर्ड है आपका, अगर सपोज करिए C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 और एक यहाँ पे C6H5 बेंजिल है, अब पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो जाएगा आपका टर्सियरी बेंजिल कार्बोकेटायन। ठीक है, बस फेनिल था, फेनिल मेथिल कार्बोकेटायन्स या बेंजिल कार्बोकेटायन्स बोलेंगे, ये प्राइमरी आप बोल सकते हैं इसको, ये आपका हो गया क्या, सेकेंडरी, क्योंकि बोथ साइड्स इससे क्या है, फेनिल ग्रुप कनेक्टेड है इस कार्बोकेटायन से, और यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, टर्सियरी बेंजिल कार्बोकेटायन। तो फेनिल मेथिल 1°, 2° and 3° अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, तो स्टेबिलिटी फिर वही स्थिति होगी, यहाँ से फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी
will be increases. इट्स ओके. तो मैंने आपको थ्री टाइप्स के कार्बोकैटायंस बताए यहाँ पे. एक बताया आपको मैंने एल्किल कार्बोकैटायंस, फिर विनिल कार्बोकैटायंस, और तीसरा मैंने आपको बताया फिनिल कार्बोकैटायंस. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से बोल सकते हैं आप. 1 डिग्री यहाँ भी बोल सकते हैं, 2 डिग्री, और इसे बोल सकते हैं 3 डिग्री. यानी कि यहाँ फर्स्ट कार्बन से एक फेनिल है, यहाँ पे इस कार्बन के बोथ साइड में 2 फेनिल है, यहाँ पे 3 फेनिल एट डिस्टेंस लिए टर्शियरी बेंजिल कार्बोकैटायंस. तो 3 टाइप्स के कार्बोकैटायंस पे बात किया मैंने. आपके एग्ज़ाम में स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं सीबीएसई के क्लासेस में, एग्ज़ाम में, या फिर आप जब एग्ज़ाम देंगे नीट पीएमटी में, तो आपसे पूछेगा कि इनकी स्टेबिलिटी किसकी हाई होती है. यहाँ पे टर्शियरी का होता है, सेकेंडरी का होता है, फिर प्राइमरी का होता है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं. थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको हाई लग रहा होगा कि सर थोड़े से हाई स्टैंडर्ड में बता रहे हैं. अब हम आपको और बैक टू बैक ले जाएंगे क्लासेस में, कैसे कार्बोकैटायंस फॉर्म होता है, होमोलिटिक फिजन क्या है, हेटरोलिटिक फिजन क्या है, बॉन्ड फिजन क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, हम उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. फिर मिलेंगे. ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू.